तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो अभी तक में हम लोगों ने जितना कुछ सीखा उसके हिसाब से हमें तो ये समझ में आया कि कार्बन जो है वो कार्बन कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी कारण कार्बन कार्बन आपस में चेन बनाता है, ठीक है। और ये जो है टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करता है, मतलब कि बाकी इसके चार वैलेंसी फुलफिल होने चाहिए। तो अभी तक जनरली हम लोगों ने अल्केन्स अल्कीन्स देखा, तो इसमें हाइड्रोजन से ये फुलफिलमेंट हो रहा था, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ। तो जैसे कार्बन कार्बन आपस में चेन हो गया पूरा, और इसके जो बाकी टेट्रावैलेंसी जो कार्बन की पूरी होगी वो हाइड्रोजन से यहाँ पे पूरी हो रही है। तो ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने ये चीज देखा कि कार्बन कार्बन आपस में बाउंडिंग कर लिए और बाकी हाइड्रोजन से ये बाउंडिंग करके ये बना। लेकिन क्या हो कि अगर हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ पे आ जाए तो क्या यह ऐसा होता है? हाँ होता है। इसमें ये हाइड्रोजन के जगह पे हैलोजन्स आ सकते हैं, ऑक्सीजन आ सकते हैं, नाइट्रोजन आ सकते हैं, सल्फर ऑक्साइड आ सकते हैं, या और भी कुछ एलिमेंट है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। हैलोजन का यहाँ पे मतलब हो जाता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये चारों में से कोई एक, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, क्या इसको हटा के इसके जगह पे क्लोरीन लग सकता है? हाँ लग सकता है, ऐसा भी इसमें होता है, ठीक है। कार्बन एंड इस कंपाउंड में यहाँ पे जो कंपाउंड है तो ये भी बनता है। यहाँ पे क्लोरीन को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन को, जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, यहाँ पे ऑक्सीजन लग सकता है। हाँ ऑक्सीजन लग सकता है, बशर्ते कि इसकी वैलेंसी फुलफिलमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। उसी तरह से नाइट्रोजन भी लग सकता है, किसी भी हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे नाइट्रोजन लग सकता है कि नहीं? हाँ लग सकता है, बस वैलेंसी को यहाँ पे उसका जो आउटर सेल के जो नाइट्रोजन के आउटर सेल और कार्बन सेल के आउटर सेल है वहां पे ऑक्टेट पूरा करना है, लेकिन यहाँ पे अटैच हो सकता है। सिर्फ हाइड्रोजन ही अटैच नहीं होगा, दूसरा भी एलिमेंट यहाँ पे अटैच हो सकता है। अब यहाँ पे जो अटैच होगा उसमें सबसे जरूरी यही चीज हो जाती है कि उसकी टेट्रावैलेंसी, जैसे कि नाइट्रोजन है तो उसकी जो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी हो जाए कोवेलेंट बॉन्ड से, और वही कार्बन है उसकी टेट्रावैलेंसी पूरी हो जाए। तो अगर ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है तो हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा भी एलिमेंट यहाँ पे एड हो सकता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो रिप्लेस करके दूसरा एटम यहाँ पे आता है तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रो एटम। द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज हेट्रो एटम। जैसे कि मीथेन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ मीथेन, अगर मान लो कि इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्लोरीन आ जाए, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे आ जाए और इसको हटा दे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? कार्बन के ऊपर बाकी तो हाइड्रोजन अपने जगह पे ही रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन रखे और यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन पे आ गया, ठीक है। यहाँ हैलोजन ऐड हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया, हैलोजन मतलब कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को भी एक ऐड हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऐड हो सकता है। हाँ तो यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्लोरीन, इसी को कहेंगे हेट्रो एटम, ठीक है। और हेट्रो एटम इसी को कहा जाएगा, और इसके कारण इसकी प्रॉपर्टी काफी हद तक चेंज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा नया ही कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। अब फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन समझते हैं। दीज हेट्रो एटम्स कंफर्म टू स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये जो हेट्रो एटम आएंगे, कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी दूसरा एटम यहाँ पे आएगा तो वो उसके प्रॉपर्टी, उस कंपाउंड के प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड द नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन कैसा भी हो, ठीक है, कार्बन चेन 4 का हो, 8 का हो, 10 का हो, या रिंग हो, या ब्रांच चेंज हो, कैसा भी हो, अगर वहां पे कोई दूसरा हेट्रो एटम आके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दूसरा आके बैठ जाता है तो वहां पे पूरी की प्रॉपर्टी ही चेंज कर देगा, वो नया कंपाउंड ही बन जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं फंक्शनल, हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो जो हेट्रो एटम आके अटैच होता है उसी को हम लोग कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। अब ये किस तरह का फंक्शनल ग्रुप और भी होते हैं वो सब हम लोग अभी डिटेल में भी समझने वाले हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हमें पढ़ना है, इस जितना अभी दिया हुआ है बुक में, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी जितना बुक में पढ़ना है उसको हम लोग अभी ध्यान करते हैं। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हेट्रो एटम हो गया, ठीक है। हेट्रो एटम में अगर क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, ठीक है, आयोडीन आ जाए, ठीक है, ये चारों आ जाता है तो इसको हेलो कहेंगे। हेलो मतलब कि हेलोजन ग्रुप कहेंगे, इसको शॉर्ट में हेलो बोलेंगे। यहाँ पे हमें फ्लोरीन, आयोडीन ये चारों भी आ जाते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन पढ़ना है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्लोरो और ब्रोमो कहेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, क्लोरो लगा है या ब्रोमो लगा है ये कहेंगे, या जनरलाइज टर्म में क्या कहेंगे, हेलोजन कहेंगे, हेलो ग्रुप कहेंगे। और इसमें क्या लगा, क्लोरो और ब्रोमो, और कैसे सब्स्टिट्यूट करता है, क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आप देख लो, जैसे कि मीथेन में अभी मैंने बताया था तो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर क्लोरीन हो गया, बाकी जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। या क्लोरीन रखो चाहे ब्रोमीन रखो, बी आर कर दो,
ठीक है। तो ये जो अटैचमेंट हो रहा है यहाँ पे, इसी को कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का नाम हो जाएगा क्लोरो, चाहे ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में क्लोरीन ब्रोमीन ऐड हुआ, अब हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे ऐड होगा, या तो OH के फॉर्म पे ऐड अगर होता है, अब देखो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है, देखो ये होती है ऑक्सीजन एटम की आउटर सेल की, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे आप दे सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिल जाए तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, अब देखो कार्बन का स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, ठीक है, मीथेन का ही स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खाली है इसका ये, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे है इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ एक बन जाएगा और यहाँ एक बन जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसी को लिखा हुआ है OH, तो यहाँ पे जो OH अटैच हो रहा है यही OH है यहाँ पे, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर CH3OH यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो यही हो जाता है अल्कोहल। OH ऐड होगा फंक्शनल ग्रुप में तो उसका फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, अल्कोहल, और इसका फंक्शनल ग्रुप का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, OH, ठीक है। उसी तरह से अल्डिहाइड होता है, अभी आगे और आएगा, अल्डिहाइड है इसका मतलब क्या हो जाता है, CHO, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन जो है, कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी अटैच हो रही है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच हो गया और एक सिंगल हाइड्रोजन से, अब पीछे यहाँ पे कार्बन चेंज हो जाएगा, मान लेते हैं CH3 रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे अटैच हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन की वैलेंसी पूरी, और यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिप्लेस, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। पहले ये स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता होगा, मान लो कि CH3 है तो एक ऊपर एक नीचे एक इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला पार्ट को मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लो कार्बन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आके ये दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ये वाला जो हाइड्रोजन है ऊपर वाला इसको भी हटा दिया, और ये हाइड्रोजन है इसको बनाया, अब इसके दो वैलेंसी खाली हो गई, ठीक है, तो दो डबल बॉन्ड से यहाँ पे ऑक्सीजन बन गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, दो हाइड्रोजन को यहाँ पे बाहर का रास्ता दिखा दिया, ठीक है, बाहर गया और दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहाँ पे अटैच हो गया, यही बन गया एल्डिहाइड। तो इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, CHO यहाँ पे, ठीक है, तो कार्बन से यहाँ पे अटैच होता है। उसी तरह से आता है कीटोन, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो ये तो साइड में अटैक किया था ना, साइड में अटैक करके हटा दिया था, अगर मान लो लॉन्ग चेन है, कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड का इस तरह से तीन का चेन है, अगर बीच में ऑक्सीजन आके अटैच होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे पहले दो हाइड्रोजन होता, दोनों हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन आके अटैच हो गया, तो इस तरह का जहां फंक्शनल ग्रुप बनेगा उसको हम लोग कहेंगे कीटोन। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी CH3 रहेगा, इधर भी CH3 रहेगा, या फिर दो कुछ और लग दो, C2H6 लिख दो, या फिर कुछ C2H4 कुछ भी कर दो, ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में C पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करके अगर हो जाता है और दोनों साइड कार्बन कार्बन ग्रुप से अटैच रहता है तो वहां पे कीटोन होगा। ध्यान दो कीटोन और अल्डिहाइड लगभग लगभग सेम है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन में अगर कोई कार्बन कंपाउंड इधर भी आ गया, कार्बन चेन आगे भी स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो ये कीटोन बदल जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, अगर सिर्फ हाइड्रोजन पे एंड हो जा रहा है तो इसको कहेंगे एल्डिहाइड। दोनों ही में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी आसमान जमीन में अंतर हो जाती है, बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। अब एक और आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये कैसे हो जाता है, यहाँ पे देखो कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन अटैच हुआ था, पहला वाला केस में एल्डिहाइड में क्या हुआ था, इधर से कार्बन का CH3 था, ठीक है, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे एच एक रहने दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो गया तो एल्डिहाइड बन गया। कीटोन में क्या हुआ था, ये वाला जो है यहाँ पे भी मान लो CH3 अटैच होता, ठीक है, तो ये बन गया कीटोन में बन गया। अब कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के लिए क्या होगा, ये CH3 हटा दो, यहाँ पे OH आ गया, ठीक है, तो इस कार्बन एटम पे देखो ध्यान दो कि यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम अटैच है, कोई जरूरी नहीं है कि पूरे फंक्शनल ग्रुप जब अटैच हो रहा है इसी कार्बन पे तो कोई एक ही हो, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, तीन चार पांच जितना मन करे, जैसा भी हो, जैसा कंपाउंड कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जहां पे भी हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाता है, कार्बन पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और एक साइड से OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर जुड़ा हुआ, अल्कोहल वाला ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये पूरा को कंबाइंड रूप से यहाँ पे हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड क्यों हो जाता है, अभी आगे आएगा, ये एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है इसलिए होगा। अभी हमें समझना है कि जहां कहीं पे ऐसे लिखा है कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे OH ग्रुप रहे, ठीक है, तो इसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक। कार्बन पे अगर सीधे OH रहे, ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप रहे, OH ग्रुप है, ठीक है, बाकी तो हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा या फिर दूसरा कार्बन रहेगा, डायरेक्टली OH ग्रुप सिर्फ OH है,
तो उसको हम लोग अल्कोहल कहेंगे, लेकिन ये OH के साथ यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है, तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। तो यही चारों जो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ अटैच है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चारों हमें पढ़ना था और ये चारों का मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे बता दिया, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे दो हैलोजन में दो ठो पढ़ना है, क्लोरो और ब्रोमो को पढ़ना। अब हम लोग थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है। जैसे कि हम ब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं, सी अगर मैं सी एच थ्री कार्बन का पूरा स्ट्रक्चर ही बना देता हूं मैं पहले, ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे चारों चीजों मैंने पढ़ा है, हमने पढ़ा है उसको हमें यहाँ पे ऐड कर करके दिखाऊंगा, ठीक है। और देखो आप कैसे चारों के चारों यहाँ पे बन जाता है। सबसे पहले तो सबसे आसान है यहाँ पे क्लोरीन वाला को ऐड करना, हैलोजन को क्लोरीन और ब्रोमीन को ऐड करना, ठीक है। तो किसी भी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करो, यहाँ पे क्लोरीन चाहे ब्रोमीन को डाल दो, तो ये रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया, ठीक है। एक डालो, एक से अधिक भी डाल सकते हो चाहो तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लोरीन वाला ऐड हो गया, ठीक है। क्लोरो या ब्रोमो, यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग ये वाला ग्रुप को ऐड करके हैलोजन हैलो ग्रुप को ऐड करते हैं। वापस से मैं एच लिख दे रहा हूँ। अब मैं बनाता हूँ अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो अल्कोहल ग्रुप बनाने के लिए क्या होगा, OH लगता है। तो जैसे मैं बीच में कहीं पे भी आप अटैच कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आके अटैच करेगा तो ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये OH ग्रुप होता है, ये वापस से हाइड्रोजन से यहाँ पर अटैच होगा। OH ग्रुप होता है ना, तो OH अंदर में कैसा होता है, O और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो गया और ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप आ गया। कोई जरूरी नहीं है यहीं पे अटैच हो, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिए मैं, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे O और यहाँ पे H, ये मेरा अल्कोहल ग्रुप बन गया, ठीक है। क्लोरो ब्रोमो समझ में आ गया, अल्कोहल समझ में आ गया। अब मैं वापस से इसको हाइड्रोजन ब्यूटेन बना देता हूँ। अब एल्डिहाइड को हम समझते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड में सी एच ओ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो पांच वैलेंसी हो गया इसलिए एक हाइड्रोजन तो हटेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो हमारा सी एच ओ, मतलब कि दोनों हाइड्रोजन को हट गया और वहां पे डबल बॉन्ड से कार्बन बन गया। तो यहाँ पे आप देखो एल्डिहाइड का मैंने स्ट्रक्चर अभी बताया था ना, क्या है एल्डिहाइड का, सी एच ओ है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले सी एच ओ है ना, ये वाला एल्डिहाइड का, और यही चीज यहाँ पे मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो सी एच ओ यहाँ पे बन गया, ये चीज आप देख सकते, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड बन गया। अब हमें बनाना है कीटोन, ठीक है। कीटोन कैसे बनेगा, वापस से यहाँ पे हम हाइड्रोजन पहले लिख देते हैं ब्यूटेन, ठीक है। अब हमें कीटोन बनाने के लिए जो ऑक्सीजन एटम है वो बीच में कहीं अटैच होगा और दोनों साइड कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। कार्बन पे जो दो वैलेंसी दोनों साइड कार्बन एटम होना चाहिए। तो आप बीच वाला में इस दोनों बनाओ, यहाँ पे बनाओगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। इस दोनों एटम पे किसी एक को बनाते हैं, इस पे बना के देखते हैं। यहाँ पे अटा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे आप देख सकते हो कीटोन का स्ट्रक्चर हमारा बन गया। सी पे ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना कीटोन का, सी पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन कार्बन अटैच होना चाहिए, या कुछ भी लेंथ हो कार्बन का लेकिन कार्बन कार्बन दोनों साइड होना चाहिए इस वाले का, जिससे ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच है उस कार्बन से, दोनों साइड से कार्बन कार्बन अटैच होना जरूरी है, तभी यह कीटोन का फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीटोन ये बन गया, ठीक है। अब इसका हटाओ, अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इधर बहुत बना लिया, अब इधर बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक में सी डबल ओ एच, देखो सी डबल ओ एच, ठीक है, ये होता है। और इसको खोल के लिखो तो सी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहाँ पे ओ एच अटैच होता है, यही होता है ना, और यहाँ पे कार्बन चेन अटैच होगा। तो इस वाले पे ही मैं अटैच करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिए और यहाँ पे ये पांच हो गया, डबल बॉन्ड हटा था तो दो टो हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे OH ग्रुप बचेगा, तो H डैश O यहाँ पे बन गया। OH ग्रुप है जिसको मैं खोल, यहाँ पे OH एक साथ लिख सकते हो चाहे अलग अलग बॉन्ड पे भी दिखा सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। तो OH यहाँ पे दिख सकता है, OH ग्रुप, ये OH ग्रुप हो गया यहाँ पे, और कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये बाकी इधर कार्बन से अटैच है। तो ये जो मेरा बन गया स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बना, सी डबल ओ एच, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हमारा जो हेलो ग्रुप और बाकी का एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चारों हमारा हमने बना के दिखा दिया इसी कंपाउंड पे। इसी तरह से आपका अपना प्रैक्टिस है, आप सब पे बना बना के कोशिश करो। बस ध्यान ये रखना है कि कीटोन वाला जो है उसमें दोनों साइड से कार्बन, जिस कार्बन आइटम पे ऑक्सीजन अटैच होगा उसके दोनों साइड से आपका
कार्बन अटैच होना जरूरी है, लेकिन बाकी जो है एसिड वाला में एसिड में है, और एसिड में खासकर ये हो जाता है कि साइड से अटैच होगा, किसी भी एंड पे अटैच होगा, और एल्डिहाइड है तो वो भी एक साइड पर क्या है जो चेन वाला है उस पर भी अटैच हो सकता है। जैसे कि चेन वाला पे एल्डिहाइड कैसे अटैच होगा, कार्बन 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 कर दिए ठीक है, और यहाँ पे सी एच ओ अगर हम लोग कर देते हैं ठीक है, सी पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एच है ठीक है, और बाकी को यहाँ पे आप हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो ठीक है, तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड बन गया ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं, आइडेंटिफाई दिस फंक्शनल ग्रुप डैश COOH, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। अगर आप वीडियो अच्छा से देखे हो तो आपको आंसर आराम से पता है, इसका आंसर है कार्बोक्सिक एसिड। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में।